अच्छा यहाँ पे एक शंकर भगवान के तांडव की फरमाइश है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं व्यूअर को अभी भी इधर हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ की। दोस्तों यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है और इसी के जस्ट सामने भीमशिला है। भीमशिला आप देख सकते हैं जो 2013 की त्रासदी में जो ये भीमशिला जो है श्री केदारनाथ के मंदिर को एक सेफ्टी प्रदान किया। और सामने रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर जी का भजन प्रस्तुति खूब शानदार यहाँ पे हुआ, जो आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और हमारे साथ केदारनाथ की यात्रा में बने रहिएगा, आपको ए टू जेड आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में, कंटिन्यू बने रहिएगा। मेरा सभी से निवेदन, अच्छा यहाँ पे एक शंकर भगवान के तांडव की फरमाइश है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं व्यूअर को अभी भी इंदौर बैंड जो है आप लोग खाते बजा सकते हैं। आइए ये बात वहीं से, वहीं से सबके हाथ ऊपर। भीमशिला ये है, जब त्रासदी वहाँ से आई थी तो ये भीमशिला ने श्री केदारनाथ, जब त्रासदी वहाँ से आई थी तो ये श्री केदारनाथ का मंदिर का रक्षक किया था, ये भीमशिला पत्थर। और ये भीमशिला पत्थर आपको दिखाता हूँ। आज जो हम केदारनाथ जी का मंदिर देख रहे हैं इस भीमशिला के पत्थर की वजह से,
इस भीमशिला के पत्थर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और जो आज की डेट में बिल्कुल पूजनीय है। और यहाँ पे लोग अपना जो है प्रार्थना पूजा दोनों करते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं श्री शंकराचार्य के समाधि की तरफ जो वहाँ पे है। और आप चारों तरफ देखिए, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। ये आ गए हम आदि शंकराचार्य जी के समाधि की तरफ। ये है आदि शंकराचार्य जी का समाधि स्थल। आप देखिए इतने बड़े तीर्थ स्थल पे यह जगह भी उपेक्षा का शिकार हो गया है। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है ज़्यादातर लोगों को कि यहाँ पे श्री आदि शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है। और कहीं न कहीं ये जगह भी उपेक्षा का शिकार है, आप देख सकते हैं। और कितने लोग तो वापस लौट जाते हैं बस केदारनाथ जी का दर्शन करके। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आप यहाँ से देखिए दीवारों पर देखिए मंत्रों का उच्चारण किया गया है खूबसूरती के साथ। और अंदर गलियों में बर्फ बिल्कुल जमी हुई है। और खूबसूरत ये जो है अभी उपेक्षा का शिकार हुआ है एक तरह से हम कह सकते हैं। जैसा सजावट होना चाहिए वैसा सजावट नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सजावट होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। सब बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे, आप देखिए, आप देखिए आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थल, ये जो है पूरी बर्फ से ढकी हुई। कमाल करो, जय जय श्री केदारनाथ जी। ये देखो दोस्तों, बहुत ढेर सारी बर्फ है और यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो, भरपूर बर्फ है। मस्त है, आप भी आइए एंजॉय कीजिए और इस सफ़र का आप पूरा आनंद लीजिए। और ये जो है आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। आप भैरव मंदिर की तरफ देखेंगे तो वहाँ भी खूब अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, आप देखिए। तो दोस्तों, आई होप यह ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना और मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना। तब तक मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय श्री केदारनाथ की।